हेलो एवरीवन, अगर आप भी डीएल में कोई चेंजेस करना चाहते हो, कोई करेक्शन करना चाहते हो, चाहे करेक्शन में आप नेम को चेंज करना चाहो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हो, एड्रेस चेंज करना चाहते हो, या फादर नेम या अदर कोई भी करेक्शन आप करना चाहते हो ड्राइविंग लाइसेंस में, तो आप इजीली कर पाओगे। तो देखिए, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एम परिवहन वेबसाइट पे आ जाना होगा। वेबसाइट देख सकते हो, पहला इंटरफेस ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए सेकंड में यहाँ पे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अंदर सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे सर्विस ऑन डीएल, जिसमें रिन्यूअल, डुप्लीकेट लाइसेंस और अदर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद कैप्चा कोड फिल कर देना है। देन गेट डीएल डिटेल पे क्लिक करेंगे, उसका देखिए आपके डीएल के सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर देगा, फोटो वगैरह सब कुछ दिखा देगा। तो यहाँ पे एक बार स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे साइड आ जाना है और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कंफर्म डैट अवब ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ना सेलेक्ट पे आकर यहाँ पे यस कर देना कि आपका डिटेल है ये आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पे करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो फिर से नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपसे ब्लड ग्रुप डालना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपको नहीं पता तो अननोन डाल दीजिए, पर आपको ब्लड ग्रुप यहाँ पर डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं ब्लड ग्रुप अननोन डाल देता हूँ। यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमें एक नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। तो देख सकते हो अब हम यहाँ पे सर्विस में आ चुके हैं, सिलेक्ट द सर्विस रिक्वायर्ड। तो जो जो आप चेंजेस करना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। यहाँ से आप डुप्लीकेट लाइसेंस भी इशू कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से डीएल एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, चेंज ऑफ नेम इन डीएल, चेंज ऑफ एड्रेस का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके अंदर डीओबी भी चेंज कर सकते हो और डीएल का कोई बैज होता है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज करना चाहता हूँ डीएल में, तो सिर्फ नेम वाले बॉक्स पे मैं चेक कर दूँगा। तो नेम वाले बॉक्स पे मैं यहाँ पे चेक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो जो सर्विस आप सिलेक्ट करोगे सारा आपका लेफ्ट साइड दिखाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा सर्विस सिलेक्ट करे हो तो आपका दिखाता जाएगा यहाँ पे। जैसा कि मैं नेम वाला सिलेक्ट करो तो एक हमारे पास दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आप नाम क्यों चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको मिसलेनियस सिलेक्ट कर लेना है, सेकेंड वाला ऑप्शन। ओके, देन यहाँ पे पूछेगा आपसे, रीज़न पूछेगा क्यों आप नेम चेंज करना चाहते हो, उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो क्योंकि ऑप्शनल है वो। उसके बाद नीचे आएंगे, जो नाम आप डालना चाहते हो, जो नेम चेंज करना चाहते हो, नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और नीचे आओगे तो आपका रिलेशन मिलेगा, जिसके अंदर आपके फादर, मदर, आपके हस्बैंड या गार्डियन का भी नाम आएगा। चाहो तो आप यहाँ पे उसके नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे फादर नेम भी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, तो फादर नेम को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। और आप चाहो तो यहाँ पर फादर नेम भी चेंजेस कर सकते हो। तो जो नेम है वो नेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे फुल नेम एज पर रिकॉर्ड आएगा, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपके रिकॉर्ड में है, जैसे आधार कार्ड में होगा वो नाम आपको अपना फिल कर देना है। फिर नीचे ऑप्शन आएगा इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव फ्रॉम, कब से नेम इफेक्टिव है वो आपको डाल देना होगा। तो आप यहाँ पर अपना डीओबी डाल दीजिए, या जब से आपका नाम ये चेंज हुआ है तो तब से, जब से इफेक्ट हुआ है तब से वो नेम आपको सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ चुका है डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है, जिसको आपको फिल कर देना होगा। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ बॉक्सेज मिलेंगे, सबको आपको चेक कर देना है एक एक करके। तो देखिए हमने सारा यहाँ पर काम कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आपको फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको दोबारा से सबमिट बटन पे क्लिक करना रहेगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, फिर से हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो देखिए जो जो आपने चेंजेस करी है सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऊपर। तो इसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे साइड आना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह यहाँ पे डल जाएगा, तो यहाँ पे आपका कैप्चा कोड फिल कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अगर आप एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हो, वही एप्लीकेशन नंबर से एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन डिलीट करना चाहते हो कैसे होता है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, आई बटन में चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, प्रूफ ऑफ नेम चेंज जितने यहाँ पे दिखा रहा है, सारा ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम सेलिए में एक एक करके यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ।
उसके बाद अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, नीचे हमारा आ चुका है, एक डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया है। हम नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे तो अब हमें सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर से यहाँ पे प्रोसीड पे जाएंगे, उसके बाद फिर से आप अगला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट भी इसी तरीके से अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से आपको चारों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, जितने डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा सारे डॉक्यूमेंट वन बाय वन अपलोड करते जाना है। तो चलिए दोबारा से हम थर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है, हमने चारों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए लास्ट स्टेप आता है हमारे पास, फ़ी पेमेंट है। यहाँ पे फीस हमें दिखा रहा है टोटल 400 रुपये की हमें पेमेंट करनी है। चलिए हम पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये डिटेल वगैरह आपको शो कर देगा। एक बार आप डिटेल वगैरह देख लेना, देन प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो SBI ई-पे पे आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा आपको पेमेंट करने का, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जिस मीडियम से आप पेमेंट करना चाहते हो वो मीडियम आप सिलेक्ट करके यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होने के बाद आपका काम हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए देखिए पेमेंट अभी पेंडिंग में चला गया है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो आपको इसी वाले यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है, फिर अपॉइंटमेंट में जाएंगे। उसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा DL सर्विस स्लॉट बुकिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा। जो एप्लीकेशन अभी नंबर आपको दिखाया था वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल देना होगा, यानी कैप्चा कोड। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपका स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। वहाँ पे जो जिस दिन आप प्रीफर होगे उस दिन आप स्लॉट बुक कर सकते हो, और उस दिन आपको RTO जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हो तब तक आपका ये अपडेट नहीं होगा नेम, तो आपको ध्यान में रखना है। ये सारा काम होने के बाद आपका एक अपॉइंटमेंट बुक होगा। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको एक बार नियरेस्ट RTO विजिट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कुछ इस प्रकार से आप DL में नेम या कोई अदर चीज़ का करेक्शन कर सकते हो। वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहता है, आप बिंदास मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।